हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले एक एडिटर ऐप के बारे में जो कि है वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब। तो स्पेशली यूट्यूब के लिए ये ऐप है, तो आज हम इस ऐप का रिव्यू करेंगे, देखें क्या कुछ इसमें खासियत है, क्या कुछ इसमें कमियां हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, अब हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं, iOS यूज़ करते हैं तो आप ऐप स्टोर को ओपन कर लीजिए, क्योंकि ऐप दोनों के लिए ही अवेलेबल है। तो चलिए हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब। तो ये आपको सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगे, लेकिन आपको कौन सी डाउनलोड करनी है, आपको फिफ्थ नंबर पर दिख रही होगी जो वीडियो का सिंबल है, ठीक है, जो कैमरा होता है ना हमारा, वैसा सिंबल है, देखिए आप बिल्कुल ब्लैक उसमें रेड सा लाइट रेड सा जिस पर लिख रखा है वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब वीडियो डॉट गुरु, ओके। और नीचे देखिए इन शॉर्ट INC, मतलब इन शॉर्ट कंपनी का ये, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है फिफ्थ वाले पे, तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है। और ये इनशॉट कंपनी का, अगर आपने इनशॉट एडिटर यूज़ किया जो कि एक एडवांस लेवल का एडिटर है जिसमें आप हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, ओके, तो उसका भी मैंने आपको पहले रिव्यू दे चुका हूँ मैं चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी कंपनी का इनशॉट का, लेकिन ये सिर्फ क्या है, वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब, स्पेशल यूट्यूब के लिए। तो चलिए अब इसकी रेटिंग देख लेते हैं एक बार। तो आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.8 और 7.5 लाख इसके करीब रिव्यूज़ हैं और 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। तो रेटिंग तो इसकी अच्छी है। और ये जो ऐप है हमारी, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA की ऐप है हमारी। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, तो ये ओपन हो रही है हमारी ऐप, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये हमारी ऐप ओपन हो चुकी है और बिल्कुल ही सिंपल इंटरफेस है और बिल्कुल अट्रैक्टिव इंटरफेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना हो, प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा, प्लस के सिंबल पर आपको क्लिक करना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये आपको क्लिक करना, आपको वीडियो एडिट करनी है, फ़ोटो एडिट करनी है, फिर ऑल में आप वीडियो फ़ोटो दोनों एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। मेरे को वीडियो एडिट करनी है मान लेता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी वीडियो ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए ये वाली वीडियो ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये भी मैंने एक रिव्यू दे रखा है, देखते हैं किस चीज़ का रिव्यू। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया, अब आपको क्या करना होगा, अगर इसको कट करना चाहते हैं यहाँ से कट भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेलेक्ट कर लें, टिक के निशान पर क्लिक कर देंगे, ओके। और ये अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एरो का निशान दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर टिक कर लीजिए, ओके। तो चलिए ये हमारी यहाँ पर क्लिप आ गई है। अब आपको देख रहे होंगे, ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको यहाँ ट्रिम पर आप क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, हम ट्यूटोरियल नहीं कर रहे हैं, हम ऐप रिव्यू कर रहे हैं ओनली, ओके। ट्रिम में आप इसको कट कर सकते हैं आगे से पीछे से कहीं से भी, ठीक है। म्यूज़िक में आप क्या इसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये आप अपना करना चाहते हैं अपना भी कर सकते हैं। और शायद इसमें इनबिल्ट म्यूज़िक भी है, देखिए इन्होंने म्यूज़िक भी दे रखा है, इनका खुद का म्यूज़िक भी है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर माई म्यूज़िक में जाकर अपना म्यूज़िक ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स में जा सकते हैं, देखिए इफ़ेक्ट्स में कितने सारे इफ़ेक्ट्स हैं ये, ओके। और रिसेंट जो आपने यूज़ किया हो वो रिसेंट में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से म्यूज़िक और फ़िल्टर लगा सकते हैं, देखिए फ़िल्टर कितने सारे मिल जाते हैं आपको, ये लगा के दिखा देता हूँ मैं। एडजस्ट कर सकते हैं इनकी लाइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वार्म्थ, टिंट, ये तो हर कोई भी फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग कोई भी ऐप होगी वहाँ पर ये वाले ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे। अगर ये ऑप्शन किसी ऐप में नहीं है तो उस ऐप का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन अगर ऐप में है तो मतलब मान लीजिए कि वो बेस्ट ऐप है, ओके। तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पहले कैसी थी अब कैसी है, ठीक है, यहाँ से करके देखिए पहले ऐसी थी अब ऐसी फ़िल्टर लगाने के बाद। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर अब हम ओरिजिनल रखते हैं, इसको टिक रखते हैं, ठीक है। फ़िल्टर हो गया, इफ़ेक्ट लगा सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए कितने सारे इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, ग्लिच इफ़ेक्ट, लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा आपको, देखिए देखिए देखिए, ठीक है। और VCR कुछ भी, बहुत सारे इतने सारे इफ़ेक्ट्स हैं, और देखिए ग्लिच में ये तो, और बीट में देखिए, बीट में भी आपको मिल जाएंगे, मैजिक में मिल जाएंगे, मिरर में मिल जाएंगे, देखिए मिरर में आप चल नहीं रहा है शायद, लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गया था, देखिए। तो यहाँ पर कितने सारे इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं एक बार के लिए, रिमूव ऑल इफ़ेक्ट्स कर देते हैं। तो ये हमारा इफ़ेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं टेक्स्ट पर, आप टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऐप रिव्यूज लाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है, फोर्स नहीं कर सकता मैं आपको। तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पर,
और स्टिकर्स में देखिए आप, स्टिकर्स में तो इतने सारे स्टिकर्स हैं ना आप, मज़ा ही आ जाएगा आपको देखकर। देखिए कितने अलग अलग तरह के स्टिकर्स हैं यहाँ पर हमारे, ठीक है। और यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई फ़ोटो बना रखी है जो आपने इरेज़ करके, बैकग्राउंड इरेज़ करके वगैरह कुछ भी करके, जो भी आप फ़ोटो यहाँ से लेना चाहते हैं फ़ोटो इंपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, और उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी उसके एडजस्ट कर सकते हैं स्टिकर की, ओके। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आगे देखिए स्पीड, स्पीड आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए स्लो हो गए ना, यहाँ पर तेज़ हो गए, तो यहाँ पर स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में देखिए आपके पास बहुत सारे रेशो आ गए हैं, पहले तो इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, ठीक है, तो सब के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कलर देख सकते हैं आप, कलर देखिए बैकग्राउंड में, देखिए हो गया ना बैकग्राउंड में। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, वीडियो बैकग्राउंड लगा के आप छोटा बड़ा वीडियो कर सकते हैं। अभी के लिए हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड लग चुका है, इसको कोई बात नहीं, रिमूव कर देंगे बाद। रिकॉर्ड, अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आपने सिर्फ वीडियो वीडियो रिकॉर्ड किया, आपने ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है अपनी वीडियो के साथ, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है, आपको अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम में क्या, आप इसकी वॉल्यूम बिल्कुल कम कर सकते हैं, बिल्कुल ही हटा सकते हैं वॉल्यूम। अगर आपकी वीडियो है, आपकी वीडियो में आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए, जो आपने बोल रखा वो आपको नहीं चाहिए, आप बाद में बोलना चाहते हैं उसमें, तो आप उसकी वॉल्यूम को रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं आ रही अब आपको, ठीक है, लेकिन मैं पूरी कर देता हूँ। और आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, देखिए रोटेट कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से, फ्लिप कर सकते हैं देखिए वीडियो को, ठीक है, और बड़ा छोटा तब कर ही सकते हैं, वो बैकग्राउंड में जाके हो जाएगा, देखिए, ठीक है, फ्लिप कर सकते हैं, हो गया हमारा। क्रॉप कर सकते हैं, वीडियो क्रॉप करना चाहते हैं, देखिए मैं इतनी रखना चाहता हूँ तो इतनी ही आएगी हमारी, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। और ये क्यों एंड है, ये क्वेश्चन आंसर, अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में भेज सकते हैं। देखिए हाउ टू मर्ज वीडियोज़, देखिए यहाँ पर तो इन्होंने बता रखा है सारा सारा, देखिए क्वेश्चन आंसर, इनसे पूछने की जरूरत नहीं, इन्होंने पहले ही बता रखा है। देखिए यहाँ पर कैसे क्या करना पड़ेगा आपको, हाउ टू ट्रिम ऑडियो वीडियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ट्यूटोरियल दे रखा है एक तरह से, ये क्वेश्चन एंड आंसर में। तो ये तो एक बेस्ट बेस्ट से बेस्ट ऐप लगी है मेरे को, स्पेशल यूट्यूब के लिए है। आपको इनशॉट की जरूरत नहीं, इनशॉट सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, फेसबुक पर आना चाहते हैं, तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऐप है, और आपको इसमें इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे, और बिल्कुल ईजी है यूज़ करना। अगर आपने कभी भी वीडियो एडिटर का यूज़ नहीं किया है, तो इस ऐप को यूज़ करना इतना आसान है कि कोई भी, इसको बच्चा भी इसको यूज़ कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो एक बेस्ट ऐप है। और ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इससे आप लैंडस्केप कर सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो ये चला सकते हैं वीडियो, यहाँ पर पीछे कर सकते हैं, ओके, शुरू से कर सकते हैं, शुरू में करना हो मेरे को तो, ठीक है। तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, सेव करना चाहते हैं, देखिए सेव में आपको क्या है, क्वालिटी मिल जाती है, हाई क्वालिटी करना चाहते हैं, 1080 करना चाहते हैं, 720 करना चाहते हैं, 640, 480 करना चाहते हैं, तो अलग अलग साइज़ आपको रेशियो कर सकते हैं आप, रेजोल्यूशन कर सकते हैं, साइज़ भी अलग अलग हो जाएगा। या फिर आप कीप ड्राफ्ट रखना चाहते हैं, ठीक है, सेव नहीं करना चाहते, ड्राफ्ट में रखना चाहते, तो भी वो भी आप कर सकते हैं, ओके। हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी करना चाहते हैं, आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, ओके, मेरे को अभी सेव नहीं करनी। तो ये सारे इसमें ऑप्शन है, आपको देख सकते हैं खुद से। तो गाइज हमने इस ऐप का रिव्यू किया और देखा इसमें कितने सारे फीचर्स हैं, मुझे तो इसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आई, फीचर्स ही फीचर्स नज़र आए। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, आप इस ऐप का यूज़ करते हैं नहीं करते, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये ऐप स्पेशली YouTube के लिए बनाया गया है, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आपको एडिटिंग नहीं भी आती है, तो ये ऐप बिल्कुल सिंपल है, आप इसका इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही एडवांस इसमें फीचर्स हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है यूज़ करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इट्स योर चॉइस, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,